चलिए तो जल्दी से पूरे एनर्जी के साथ नरे दोठो गधा। ठीक है, आज जो है तुम कौन से क्लास में हैं? थ्री। और तुम भी थ्री में हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का। तुम लोग को भी समझना है, ठीक है, ध्यान रखना। आज जो है दो छोटे को हम रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा महसूस हो कि कोई है यहाँ पर। तो थोड़ा सा लगेगा कि मेरे आवाज़ को सुनने वाला भी कोई है, नहीं तो हमको थोड़ा अजीब लगता था। अब ये मत समझना तुम लोग कि हाँ हमको भूत से डर लग रहा है तो हम रखे हुए हैं। अगर हम डरेंगे तो ही तो पहले भाग जाएंगे लोग। थ्री क्लास में है ये लोग, थ्री में न रे। चलो तो अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है, जवाब देना है। हम लोग का रूल है कि हम लोग क्लास में जो भी बैठ जाता है उसको जवाब देना है। हाँ वाह, चलो राग में राग तो मिला दिया। हाँ, हम लोग जो है आज खेलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। और जैसा कि हम बताए भी थे पिछले क्लास में और अभी भी हम आपको बोलने वाले हैं कि अभी हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं। और कन्वर्जन जो है ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर्ट है, दिल है। इससे ना हर चीज का तार जुड़ा हुआ है कन्वर्जन से। कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन, कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन। तो लोग रे कन्वर्जन का मतलब, हाँ वाह, ये देखो थर्ड क्लास में है, ये लोग को भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है सीख ले। अचानक से हमको भी ये आया कि जो है कुछ किसी को यहाँ पर हम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कन्वर्जन का मतलब क्या था भाई? परिवर्तन। हम लोगों को ना बोलेगा कि आप परिवर्तित करिए। जैसे कैसे आप लोग गेहूं को आटा में परिवर्तित करते हो, आटा को रोटी में, आटा को पराठा में, ठीक है, आटा को पराठा में। और तुम लोग हर सामान को बर्बादी में, है ना, जो सामान मिला चूरो उसको। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, परिवर्तित करना है। आपको ना परिवर्तित करने के लिए बोलेगा। क्या करने के लिए बोलेगा? परिवर्तित करने के लिए बोलेगा। आपको एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसको ना फलना में परिवर्तित कीजिए, इसको ना चिलना में परिवर्तित कीजिए। तो कन्वर्जन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि रिएक्शन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, व्हाट हैपेंस हो, सब का जड़ ये है। अगर ये स्ट्रांग कर लिए ना तो बहुत मज़ा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लगभग एंड होने वाला है और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो है मेरे से पहले ही इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हो। जो अभी का देख रहे हैं ट्रेंड, हम की लैंग्वेज हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं, आप पहले ही जो है रिएक्शन हो उसका एग्जाम्पल उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कन्वर्जन जो है उसमें चार चांद लगाएगा। तो कन्वर्जन पर एकदम विशेष फोकस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपका बोर्ड में जो है 12th बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, कन्वर्जन भी पूछेगा, नेम रिएक्शन मतलब रिएक्शन का नाम, जैसे उर्ज रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सैंडमेयर, रैमर टाइमन, कॉलवेज, ये नेम रिएक्शन भी पूछेगा, कन्वर्जन भी पूछेगा, खाली स्थानों को भरें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछेगा, समझ रहे हो बात को, व्हाट हैपेंस क्या होता है जब, वो भी पूछेगा, ठीक है। तो बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से एक हमारा कन्वर्जन भी है। लेकिन कन्वर्जन पर पकड़ बनाने के बाद भी, सॉरी, कन्वर्जन पर पकड़ बनाने के बाद वो सब बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो सब बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कन्वर्जन पर पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करें, उसके पहले आप हमको बताओ कि क्या आप हमको अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, सबसे पहले तो हमको ये बताओ। चलो चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका टनाटन एकदम आ रहा है, बिंदास, वेरी गुड। अरे ये क्यों भाई, हाँ अब सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन कम था इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों का टनाटन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ थैंक यू बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम पूरे तेजी से। यस ठीक है एकदम ऑल डन और ऑल फैंटास्टिक, सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करें। देखो आपको दिख भी रहा है यहां से कि लिखे हम कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ खेलें, मतलब समझ रहे हैं आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पोर्शन के साथ हम लोगों को इंजॉय करना है। और कन्वर्जन एक ऐसा चीज है जिसका तार हर तरह से जुड़ा हुआ है, हर जगह से जुड़ा हुआ है, तो इस पर पकड़ बनाने के बाद आपका और मजा आएगा। जितने मस्ती के साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सारे रिएक्शन को मेरे से पहले कर देते हो आप, ये बहुत अच्छी बात है, और मजा आना स्टार्ट हो जाएगा अगर इस पर पकड़ बहुत अच्छे से बना लिए तो। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बेसिक कन्वर्जन सब दे रहे हैं आपको। बेसिक मतलब समझ रहे हो चावल दाल, जो हर जगह जाके फिट होगा, मतलब हर कन्वर्जन में ये सबका आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी अगर इसमें है तो वो भी शुरू से अगर फोकस करो बहुत अच्छे से तो जबरदस्त फायदा हो जाएगा और आप भी सारे कन्वर्जन को करने में एकदम सामर्थ हो जाइएगा, एकदम कैपेबल हो जाइएगा, कर लीजिएगा। ठीक है लेकिन हाँ बस सेल्फ पे बिलीव होना चाहिए कि हम हाँ हाँ हम कर लेंगे, हम खुद से कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि हाँ हम न्यू हैं, हम मेरे छूटा हुआ है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम हैं ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो अगर कोई पहला भी दिन अगर अरे अभी भूल गए अभी आप लोग देखे थे कि हम लोगों का रात वाले क्लास में एक 11th का बंदा आके बैठा था और जवाब दिया था, आज आपको याद आ रहा है? इधर ही तो परसों का घटना है, याद आ रहा है आपको? 11th का एक बच्चा अचानक से आया था, वो किसी आप लोग के मतलब जूनियर था, आप लोग लेके आए थे उसको, वो जवाब दे रहा था, याद आ रहा है? और अभी जो है 3 क्लास का 2 बंदा बैठा हुआ है। अभी चुन्नू मुन्नू को नहीं दिखा रहे, तुम लोग का चुन्नू मुन्नू नाम रखाया जा रहा है, ठीक है? आतिफ साहिल का नाम चुन्नू मुन्नू हो गया है। चलो क्या तो बोलना चाह रहे, तो भूल गए यार। हाँ हम न्यू स्टूडेंट के बारे में बोल रहे थे, आप लोग जो है बहारिएगा मत, सेल्फ बिलीव रखिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा दिखा देंगे आराम से दिखा देंगे, हमको भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ये लोग का चेहरा देख रहे हैं थोड़ा स्माइल है तो मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो पता है हम बोलते जाते थे समझ में नहीं आता था हमको, बड़ा अजीब लगता था, हम बार बार इस चीज़ को फीलिंग को आपको बोलते थे तो हमको बड़ा ख़राब लगता था कि जो है हम अकेले पढ़ा रहे हैं आप लोग का आवाज़ नहीं आता, तो हमको बड़ा ख़राब लगता। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो कल कितना मज़ा आ रहा था जब आप लोग थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तेजी से, जल्दी से। चलो हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन। अब देखिए कन्वर्जन हम तो स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे करना है, लेकिन उसके पहले ना एक चीज हम जरा सा आपको बताना चाहेंगे कि आप किस चीज पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा किस चीज पर आपको ध्यान रखना है। आपको ना कुछ एल्केन पर ध्यान रखना है। भाई इधर आ जाओ, आप एकदम चैट वैट शांत करो, ठीक है? जरा सा भी इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए और एकदम अच्छे से ध्यान देना। छोटू तुम लोग भी ठीक है? क्या लिखे हैं पढ़ो तो। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, एल्केन, ये एल्केन लिखे हैं। अब क्या है नहीं, अभी 3 क्लास में तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, लेकिन जो है सीखना ठीक है, बोलना है एल्केन, ठीक है? आप लोग सब लोग जानते हो कि एल्केन मोटा माटी दिखने में जो लगता है ऐसा, CN कार्बन इसमें होगा ही होगा, कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके दोगुने से, कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके दोगुने से क्या होगा, 2 ज्यादा होगा, यही था ना भाई, यही था ठीक है? तो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन कितना होगा, उसके दोगुने से 2 ज्यादा। तो अगर कार्बन अगर मान लीजिए कि कार्बन एक है ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होगा भाई, दोगुने से 2 ज्यादा, तो 1 का 2 गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 2, 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2, अब 2 और ज्यादा कर दीजिए तो 4, ठीक है? CH4 ठीक है, जिसको आप लोग कहते थे क्या भाई, 1 कार्बन वाले को कहते थे मिथेन। आप बोलोगे सर ये तो LKG वाला बात आप बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये LKG वाला बात है, लेकिन ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है? ये हुआ मिथेन, मिथ 1 कार्बन के लिए, और आप जान रहे हैं इस पे सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया N, ठीक है? अगर C2 रहा तो हाइड्रोजन हो जाएगा कितना, इसका दोगुना करो 4, 2 और ज्यादा तो कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इथेन, ठीक है? 2 कार्बन के लिए एथ कहते हैं, और आप जान रहे हैं इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, समझ रहे हैं बात को? C3 अब दोगुने से 2 ज्यादा, तो 3 का 2 गुना करो 6, 2 ज्यादा करो
तीन का दोगुना कितना? छः, दो और ज्यादा करो, एक। हाँ गुड, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये सब है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। और आप जानते हैं कि जब जब इस मेथेन से एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें, एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें, एक हाइड्रोजन क्या करें, हटा दें, ठीक है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार। एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो बन जाएगा CH3, नहीं बन जाएगा ना, चार में से एक हटा दिए तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, मिथाइल। क्या कहते थे, मिथाइल, याद आ रहा है, ये एन हट जाता था और आइल लग जाता था, तो मिथाइल। उसी तरह से छह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H6, ये हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा भाई, इथाइल। ठीक है, C3H8, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो कार्बन तो तीन रहेगा लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा सात, तो हो जाएगा C3H7, ये हो जाएगा प्रोपाइल। समझ में आ रहा है, अब लोग सर ये सब तो हम लोगों को आता है, हम समझ रहे हैं आपको एकदम आता है, लेकिन फिर भी हम आपको रिवीजन कर दिए क्योंकि ये सब का जरूरत हमको भी बहुत पड़ने वाला है। तो मिथाइल मतलब तुरंत समझ जाइएगा, CH3 मिथाइल का मतलब रे, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। इथाइल का मतलब C2H5, प्रोपाइल का मतलब C3H7, क्लियर है। और ये चीज क्यों देते थे आपको पता है, क्योंकि कार्बन जो है चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चारों पे क्या था भाई, हाइड्रोजन था, चारों पे क्या था, हाइड्रोजन था, और एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया तो एक हाइड्रोजन को जब हटाइएगा तो ये वाला बॉन्ड तो खाली रह जाएगा ना, तो वही खाली वाला बॉन्ड यहां पर दिखाते हैं, समझ मारा है। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, डेकाइल चलेगा, और इधर मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन चलेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाइएगा चलता जाएगा। ये सब याद आ गया सबको, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, एकदम सब। अब बोलो सर ये तो एकदम एलकेजी वाला बात है, कहाँ आप एल्डोल, के निजारो, क्लिमेंसन, तहस नहस रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखा रहे थे, कहाँ आप ये हमको एलकेजी में ला दिए। अभी जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी है, ठीक है, हर दिन का शुरुआत सुबह से ही होता है, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए तो डायरेक्ट आपके घर में 12 बज जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, सुबह से ही स्टार्ट होगी, फिर 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, उसी तरह से आज भी हम लोग शुरुआत एकदम बेसिक से ही किए हैं। ये मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, समझ में आ गया, ये इथाइल मतलब, खेल खत्म हो गया। अब चलिए, अब जब जरूरत पड़ेगा हम आपको रिवाइज करा देंगे, अब चलते हैं कन्वर्जन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिवर्तित करें, निम्नलिखित को परिवर्तित करें, हमको मेथेन को परिवर्तित करना है मिथाइल क्लोराइड में, ठीक है, गेहूं को कन्वर्ट करना है किसमें, आटा में, ध्यान देना सब लोग एकदम रेडी। कन्वर्जन में एक बात याद रखना बाबू, एकदम ध्यान से एक बात, कि जब भी आपको किसी को किसी में बदलने के लिए बोले, ठीक है, दिमाग को एकदम रिलैक्स करो, शांत करो, और उसका सबसे पहले ना आप फॉर्मूला लिखने का कोशिश करो। देखो यहां पर हम जगह छोड़े हैं, ठीक है, यहां पर जगह छोड़े हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिसके बारे में बोल रहा है ना उसका फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिए, अनुसूत्र लिखने का कोशिश कीजिए। परिवर्तन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको कन्वर्जन दे, परिवर्तन करने के लिए दे, ठीक है, तो जहां से जहां देगा आप सबसे पहले उसका क्या करिए, फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए, जहां से फॉर्मूला। अब बोलोगे सर फॉर्मूला अगर दे दिया तो, तब तो सोने पे सुहागा यार, तब तो मस्त बात है, अगर फॉर्मूला दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं दिया तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो समझ जाइए कन्वर्जन का 25% काम हो चुका है, समझ रहे हो, 25% कितना परसेंट रहे, हाँ 25% कन्वर्जन का हो गया अगर आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो, ठीक है। आप बोलोगे तो बहुत आसान है सर, हम लिख देंगे, तो लिख दो भाई। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल का फॉर्मूला हो गया CH3, और क्लोराइड का मतलब हो गया Cl। देखते हो मिथाइल का यूज हो गया ना, मिथाइल का मतलब CH3, अभी तुरंत रिवीजन कराए थे, मिथाइल का मतलब हो गया CH3 और क्लोराइड का मतलब Cl। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि मिथेन से कन्वर्ट कीजिए मिथाइल क्लोराइड में, यही है कन्वर्जन। एक पदार्थ देगा और उसको क्या करेगा, दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए कहेगा, मिथेन को वो कह रहा है मिथाइल क्लोराइड में बदलना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिए हम लोग, अब क्या करेंगे भाई, अब जहां से गाड़ी मेरी स्टार्ट होगी, ये आपका है घर,
वो है आपका मंजिल, ये है आपका घर, वो है आपको मंजिल। यहां से आप लोगों की गाड़ी शुरू होगी और वहां जाकर हम लोग रुकेंगे, वहां पर एंड होगा गाड़ी जाके, ठीक है। ऐसा करके एरो दीजिए। अब दिमाग लगाइए कि मिथेन में ऐसा क्या डालें कि मिथाइल क्लोराइड बन जाए। सोचो सोचो, हम आपको क्या बताए थे, मिथेन में ऐसा क्या डालें जो कि मिथाइल क्लोराइड बन जाए। तो यहां से यहां जाना है तो मिथेन से क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें, तो याद आया कि अरे हम एक पढ़ाए थे आपको रिएक्शन हैलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता था? हैलोजन के साथ रिएक्शन या फिर हैलोजन का जुड़ना। और हैलोजन का मतलब क्या हुआ? X2। X2 का मतलब कौन हुआ जी? F2, Cl2, Br2, I2, यही ना रे, ठीक है। तो हैलोजिनेशन का मतलब हो गया हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना, और हैलोजन का मतलब ये सबका जुड़ना, ये सबके साथ रिएक्शन। तो अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा दें, क्योंकि हमको क्लोराइड बनाना है, तो अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा दें, और ये भाई रिएक्शन जो ये जो हैलोजिनेशन होता है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो SL लिख दीजिए, या डिफ्यूज सनलाइट भी लिख सकते हैं चलेगा, या नहीं तो Hν लिख दो एनर्जी वाला, या तो U भी लिख दो, जो एक तो पसंद आया आपको लिख दीजिए। मान लेते हैं हम लोग डिफ्यूज सनलाइट लिख दिए, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, हो गया। सनलाइट की उपस्थिति में तो Cl2 हम लोग ले लिए डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में। आप लोग को ये वाला कन्वर्जन हम क्लास में कराए हैं, तो आपको लग रहा होगा ये तो सर बहुत आसान हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम शुरू से कर दिए क्योंकि आज कन्वर्जन का पहला क्लास है। तो Cl2 ले लिए और डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, आपको पता है कि ये टूटता है किसमें भाई? Cl में और Cl में। किसमें टूटता है? Cl में और Cl में। एक H, एक Cl, HCl को बोलेगा कहां भाई उधर घूम रहे हो, आओ मेरे से दोस्ती कर लो और हम लोग थोड़ा सा घूमने निकल जाएं। तो यहां का H, यहां का Cl क्या बन के निकल जाएगा? HCl बन के निकल जाएगा। दूसरा वाला Cl यहां पर आकर जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म भी आपको पता है कि कैसे डॉट डॉट में टूटता था, कैसे अटैक करता था, कार्बन का पांचवां बॉन्ड बनता था, एक Cl टूटता था। तो हम मैकेनिज्म का बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम LKG में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो H और Cl, HCl बन के निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट को कन्वर्जन में दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, जो चीज निकल फिकल रहा है ना उसको साइड प्रोडक्ट को दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। तो H और Cl क्या बना के निकाल देगा? HCl बना के निकाल देगा। दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि कार्बन में टोटल कितना हाइड्रोजन था भाई? 1, 2, 3, 4, चार हाइड्रोजन था, एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा। तो कार्बन का तीन ही बॉन्ड बचेगा ना, कार्बन को तो चार बॉन्ड हर हाल में बनाना है। तो जब एक H और एक Cl HCl बन के निकल जाएगा तो एक बॉन्ड तो खाली हो जाएगा, तो दूसरा वाला Cl यहां पर आके बैठ जाएगा। मतलब हमारा क्या बन जाएगा भाई? पहले था CH4 और एक H और Cl HCl बन के निकल गया और बन गया CH3Cl। देखिए मिथाइल क्लोराइड हो गया, तो ये मिथेन था और ये मिथाइल क्लोराइड, हो गया कन्वर्जन। अब एक बात सुनो, अभी हम एकदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सुनते जाओ बस खाली, अभी तो हम लोग तूफान से बात करेंगे, लेकिन हाँ इसके बारे में सुन लो। ये मिथेन है, ये मिथाइल क्लोराइड है, मतलब यूं कहो एल्काइल हेलाइड है, ये एल्काइल और ये हेलाइड है। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो जिसको आप देख रहे हैं, ये एल्काइल हेलाइड, ये जान लो बाबू कन्वर्जन का ना स्टेशन है। क्या है? कन्वर्जन का स्टेशन है। आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, आप मान लीजिए दिल्ली जाना चाहते हैं, आप दिल्ली के लिए जो है टिकट भी खरीद लिए, सब कुछ जो है ठीक हो गया, तो आप क्या कहिएगा जो क्या कहते हो इंक्वायरी ऑफिस है स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का, उसको फ़ोन करिएगा कि हाँ मतलब मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, मेरे पास टिकट भी है, तो जो हम एकदम रेडी वेडी हैं, तैयार हैं, जल्दी से आप ट्रेन मेरे घर में भेज दीजिए, हम ट्रेन पर चढ़ के चले जाएंगे। ऐसा होता है ना रे? नहीं होता ऐसा, ट्रेन घर में नहीं आएगा। तो अगर आप वहाँ इंक्वायरी ऑफिस में फ़ोन कीजिएगा कि हम तैयार हैं, ट्रेन मेरे घर पर भेज दीजिए, फिर जो है हम दिल्ली चले जाएंगे, तो ऐसा होगा? ट्रेन आपके घर पर नहीं आने वाली है, आपको कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? स्टेशन। एक बार स्टेशन पे आप पहुंच जाओ ना भाई, वहां से हर जगह जाने का रास्ता खुल जाता है। दिल्ली जाना है दिल्ली चले जाओ, पटना जाना है पटना चले जाओ, केरल जाना है केरल चले जाओ, कोलकाता जाना है कोलकाता चले जाओ, ऊपर जाना है लेट जाओ पटरी पर, लेकिन देखो ऐसा सोचना भी मत, एकदम गलत बात है, एकदम सोचना भी नहीं, लेकिन आप एक बार स्टेशन पे अगर चले जाइएगा तो स्टेशन से सॉरी आपका कहीं पर भी जाने का मन है आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बार पहले आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा। उसी तरह से कन्वर्जन का ना ये स्टेशन है।
आपको एल्काइल हैलाइड, सुन लो एकदम मेरा बात, डाल दो एकदम कान में अच्छे से, कि आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, हर हाल में एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, ये एल्काइल और हैलाइड, इसी से हर जगह जाने का रास्ता खुल जाता है, समझ रहे बात को। तो ये आपका स्टेशन हो गया, क्लियर। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, क्या करना है, ऐसे तो हमको नहीं लगता उतना जरूरत है, इसका हम पीडीएफ दे देंगे, इसका क्वेश्चन का हम आपको पीडीएफ दे देंगे, इस पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम इसको ऐसे हटा दें या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्या करिएगा, कैसे करिएगा बताइए, आप लोग करिएगा कैसे इसको, इसको हम क्या करना है, हटाते चले जाए या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दें, हमको तो नहीं लगता स्क्रीनशॉट का कोई जरूरत पड़ेगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, इस पर खुद से प्रैक्टिस करना ना तुम लोग, और अगर दिक्कत होगा तो वीडियो ऑन करके फिर देख लेना, क्या करना चाहते हो, पीडीएफ। अच्छा अच्छा पीडीएफ में भी कौन सा, ओनली ये क्वेश्चन या फिर ये सब भी जो बनाएंगे वो भी, क्या करना पड़ेगा बोलो, तब तो स्क्रीनशॉट हमको रखना पड़ेगा, ओनली क्वेश्चन या फिर ये, अच्छा टाइम दे दें थोड़ा क्वेश्चन का, हम दोनों कर देते हैं, जा पीडीएफ में क्वेश्चन भी दे देंगे, थोड़ा थोड़ा हट भी जाएंगे, अगर किन्हीं को मोबाइल में रखना होगा आंसर तो रख लीजिएगा, इसको पूरा एकदम जो है नोट्स जो है एकदम छपैया मत अभियान लगा देना, ठीक है, खुद से बनाने का कोशिश करना, ज्यादा खुद से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। चलो तब ले लो पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, हम पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट खाली रखना, अगर बनाना लेकिन खुद से, जो पीडीएफ हम देंगे ना पीडीएफ में ये सब खाली रहेगा तो भरने में मजा आएगा, भरने में मजा आएगा, समझ रहा, ऐसा रहेगा पीडीएफ, समझा, तो भरने में मजा आएगा, यहां पर फॉर्मूला भरना, यहां पर फॉर्मूला बनाना, खुद से बनाना, और स्क्रीनशॉट जो हम दे रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो गया तो आप स्क्रीनशॉट से देख लीजिएगा, समझ रहे हो बात को, दोनों काम हो जाएगा हम लोगों का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पहला वाला ले लिया, सेकेंड क्वेश्चन। अब चलो दूसरा क्वेश्चन है, मिथेन से मिथाइल ब्रोमाइड। अब भाई अब आपकी बारी, अब एकदम पूरा जोश दिखाओ, एकदम भयंकर वाला। बताओ मीथेन का फॉर्मूला जल्दी से, मीथेन का फॉर्मूला जल्दी से, दोनों हम दोनों कर दिए आपके लिए, हम स्क्रीनशॉट का जगह भी थोड़ा सा टाइम हट गए, और जो है इसके ये भी दे देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे। चलिए जल्दी से इसका फॉर्मूला बताइए, CH4, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एलकेजी वाला क्वेश्चन हो या कोई वाला क्वेश्चन हो आप ही को करना है। चलो बोलो, हम आपको बोले थे कि कोई भी कन्वर्जन करना हो सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है रे गधा, मॉलिकुलर फॉर्मूला। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला CH4, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बता, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बता जल्दी से, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला CH3Br। क्या बात है, वेरी गुड, CH3Br हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड CH3 बीमार हम बोल रहे हैं, हम बोले CH3 बीमार, ये तो नया नाम निकल गया, हट। चलो आपका घर कहाँ है भाई, मिथेन। कहाँ पहुंचना है भाई, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल बीमार। हम लोग का एक नया ट्रिक निकला था अभी ऑक्सीडेशन का, बड़े को छोटा करो, छोटे को बड़ा करो, सबसे छोटे को और छोटा करो, ये ऑक्सीडेशन नंबर का था, अभी मिथाइल बीमार हो गया। बोलो क्या करना है, CH4 से मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है, इसको इसमें परिवर्तित करना है, हमको कन्वर्ट करना है, बोलिए जल्दी से यहां पर क्या डालना है Br2, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ Br2, ऐसे लिख दो तब Br2, क्योंकि पिछली बार हमको यहां पर Cl चाहिए था ना, Cl चाहिए था, तो हम लोग यहां पर Cl2 डाले थे, इस बार हमको Br चाहिए तो हमको हम लोग Br2 डालेंगे, है ना, ठीक है, Br2 डालेंगे, और किसके उपस्थिति में रे, डिफ्यूज सन लाइट, एक Br एक H, बोलेगा चलो घूमने के लिए भाई, H और Br, HBr वो इंटर में नहीं है, वो दूसरे क्लास में है, बचपन वाला क्लास में है, तो इसलिए घूमने चले गए, आप लोगों को घूमने नहीं जाना है, तो एक एच और एक Br, HBr बन के घूमने चला गया, दूसरा वाला Br यहां पर जुड़ गया, खटाक से बन गया, हो गया सनलाइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। Br2, यस अक्षय कुमार, बहुत अच्छा, अक्षय सिंह सॉरी, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पूरा लिख दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे आगे, एकदम देख दो हम, आप गौर करिए कि हम कहां से लेके चल रहे हैं, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है, पीछे अगर गड़बड़ भी है ना, वो यहां से भी अगर पकड़ना शुरू करेगा ना, तो ऑर्गेनिक पे जबरदस्त पकड़ बना देगा, और पता है लगभग 23-24 नंबर ऑर्गेनिक से पूछता है बोर्ड में भाई, तो पूरा पे दावा ठोक सकते हैं आप एकदम अच्छे से।
पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे क्लास खत्म होगा ना तो पीडीएफ वहां जैसे देते थे वैसे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा बताओ, इथेन का फॉर्मूला बताओ और इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। ए आतिफ थोड़ा सा वो, अच्छा इथेन का फॉर्मूला भी बता रहा है क्या, क्या होता है? थोड़ा गर्म पानी देना तो मैं खांसी होना शुरू हो गया। C2H6 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दे हमको हमको, तुम पानी क्यों पी रहा है भाई? हमको खांसी लग रहा है तो तुम पानी पिएगा, अजीब हाल है। लो रख दो यहीं पर। बहुत अच्छा, सबका देख रहे हैं C2H6, बहुत अच्छा बहुत अच्छा C2H6। अब देखो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड तो इथाइल का मतलब हो गया C2H5, है ना? C2H5 एक H कम हो जाता है तो C2H5, और क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? Cl। अब दिमाग लगाओ, तेरा घर कहाँ है भाई? C2H6। तुमको पहुंचना कहाँ है भाई? C2H5 Cl। देखो एथेन से इथाइल क्लोराइड पहुंचना है, बोलिए क्या डालोगे जो पहुंच जाओगे? क्या डालना है यहाँ पर, क्या डालेंगे? Cl2। अरे देखो ये तीसरा क्लास का बता दिया, Cl2 डालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, C2H5 Cl सही है ना? साहिल बताया, आतिफ ने बताया है, चलो बहुत अच्छा। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, सेम रिएक्शन चल रहा है ना, तो एक H और एक Cl क्या बन के निकल जाएगा? HCl, दोस्ती करने चला गया तो H और Cl HCl बना के चला गया, और दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ गया, तो एक H चूंकि चल गया तो कम हो जाएगा 5, C2H5 Cl। हो गया खेल खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंकित सिंह सबका सही आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है इसलिए सबका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं बाबू, लेकिन सबका सही आ रहा है। डिफ्यूज सनलाइट Cl2, बहुत अच्छा वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलो प्रोपेन टू प्रोपाइल ब्रोमाइड, जल्दी बता। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला। इसलिए जानबूझ के ना हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, ताकि सब में फॉर्मूला आपको लिखने का कोशिश करना है। चलो प्रोपेन का फॉर्मूला फटाक से बता दो। हाँ बिहार बोर्ड के लिए भी पढ़ाते हैं, इवन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू हम बिहार बोर्ड के लिए ही करा रहे हैं। अलग बात है कि हम लोग जो है मतलब मैकेनिज्म और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ डाल के उसको अलग लेवल पर लेके चले जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है बिहार बोर्ड के लिए ही कर रहे हैं। C3H8 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड C3H8। उसके बाद बताएगा फॉर्मूला है, एक कम इथा प्रोपाइल में एक कम तो 8 है तो कितना हो जाएगा? 7। यस C3H7 ठीक है। अब ब्रोमाइड है तो क्या हो जाएगा? Br ठीक है। चलो C3H8 से जाना है हमको C3H7 Br, कोई दिक्कत? ये देखो प्रोपेन है, प्रोप का मतलब होता है 3, प्रोप का मैथ का मतलब एक कार्बन, प्रोप इथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना जी। और हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 2 ज्यादा, अभी हम आपको बेसिक भी बताए, 2 × 2 ज्यादा, तो 3 × 2 हो गया 6, 2 और ज्यादा 8। प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल में बस एक हाइड्रोजन क्या करना है? कम कर देना है, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। बोलिए क्या डालना है? बोलो रे। हाँ Br2 वेरी गुड वेरी गुड। साथ में डिफ्यूज सनलाइट। सबका सही आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए सबका आपका Br2 आ रहा है, बहुत अच्छा सही है सही है। Br2 sunlight वेरी गुड। चलिए ये हो गया डंडनानंद ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सब अभी एक ही टाइप का हम दे रहे हैं। मिथेन से मिथाइल क्लोराइड बना लिया, इथेन से इथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड ये सब बना लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं पांचवा। हाँ अब दो स्टेप देखो, ये कन्वर्जन जो था अभी जो आप लोग पढ़े वो था एक स्टेप का, क्लियर? और अब जो कन्वर्जन हम देने जा रहे हैं वो दे रहे हैं 2 स्टेप का। कितने स्टेप का? 2 स्टेप का। कितने स्टेप करे? हाँ चलो खुद थोड़ा सा कान में तो आवाज आया, हमको सुकून मिला। अब कितने स्टेप का दे रहे हैं बोलो?
हाँ हमेशा बोला जाता है, देखते हो नीचे कैसा आवाज जाता है, वैसे ही एथेन, सॉरी मिथेन से मिथाइल अल्कोहल। अब ये दो स्टेप का है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हम आपको बोले हैं कि अगर आपको कन्वर्जन दे कि यहां से वहां जाइए वहां से यहां जाइए, तो सबसे पहले जहां से जहां जाना है उसका आपको क्या करना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख लेना है। तो मिथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा CH4 और मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल मतलब क्या हो रही, मिथाइल का मतलब CH3, CH3 को ही ना मिथाइल कहते हो, CH3। और एल्कोहल जिसके पास सूंड हो उसे हाथी कहते हैं, जिसके नाक में सिंग हो उसे गेंडा कहते हैं, जो रात में दोनों बैठा हुआ उसे गधा कहते हैं, और जिसके पास OH हो उसे एल्कोहल कहते हैं, नहीं जिसके पास OH हो उसको एल्कोहल कहते हैं। तो अगर एल्कोहल यहां पर है तो यहां पर क्या लग जाएगा भाई, OH, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, जिसके पास OH हो उसको एल्कोहल कहते हैं, तो मिथाइल CH3 एल्कोहल हो गया। चलिए CH4 से मेरी गाड़ी शुरू होगी, अब पहुंचना है मिथाइल एल्कोहल पर। हम क्या बोले हैं कि एल्काइल हैलाइड स्टेशन है, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन लाना है, FCl BRI, ये सब आपके कंपाउंड में आपके एल्केन पर आ जाना चाहिए, वो स्टेशन है, वहां आपको पहुंचना ही पड़ेगा। मतलब क्या, आप फटाफट, आपको कुछ हो नहीं हो, आपसे Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट मार के चुपचाप बैठे रहना, मतलब आप कन्वर्जन क्या है नहीं है छोड़ो, गोली मारो उसको, लेकिन पहले आप ये वाला प्रोसेस तो कर ही लोगे, ठीक है, इसको करना, ये स्टेशन है, यहां से यहां जाना स्टेशन है, उसके बाद देखा जाएगा कि कहां जाना है, यहां आपको पहुंचना जरूरी है, एकदम फिक्स है, ये वाला स्टेप आपको करना ही करना है। तो एक Cl और एक H, HCl बना के निकल गया, दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ गया, तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया, स्टेशन आ गए हम लोग, स्टेशन आ गए, यही स्टेशन है मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड, यही हमारा स्टेशन है। अब हमको मिथाइल एल्कोहल बनाना है, तो भाई आप लोगों को पता है कि अगर एल्काइल क्लोराइड अगर बन गया, तो अगर आपको एल्काइल एल्कोहल बनाना है, मतलब मिथाइल एल्कोहल बनाना है, तो अगर Cl आ चुका है, अगर एल्कोहल बनाना है तो आपके पास बहुत रिएजेंट है। हम आपको बोले थे कि एक्वस KOH डाल दो, NaOH डाल दो, AgOH डाल दो, मॉइस्ट Ag2O डाल दो, कुछ भी डाल दो एल्कोहल बन जाएगा। तो चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्वस KOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, KOH। तो आपको पता है कि K और Cl में पुराना बहुत गहरा दोस्ती है, तो K और Cl क्या बना के निकाल देगा, KCl बना के निकाल देगा, K पर हमारा प्लस है, Cl पर हमारा माइनस है, तो K और Cl KCl बन के निकल जाएगा और OH यहां आ जाएगा, ये वाला रे स्टेप से, K और Cl क्या बन के निकल जाएगा, KCl बन के निकल जाएगा और OH यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा मेरा क्या भाई, CH3OH हो गया, देखो मिथाइल एल्कोहल। तो ये दो स्टेप का कन्वर्जन हुआ, सबसे पहले मिथेन से कहां गए, मिथाइल क्लोराइड, और फिर मिथाइल क्लोराइड पर क्या मार दिए, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH के मारने से हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, कैसे के और Cl, KCl बना के निकल गया, साइड प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं साइड प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना नहीं है, OH यहां पर जुड़ गया, मिथाइल एल्कोहल बन गया। तो एक बात याद रखना, ये स्टेशन है, यहां से यहां तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, और अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH को जरूर यूज करोगे, एक्वस KOH को एकदम याद करना है एल्कोहल बनाने के लिए। आप NaOH भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसी को ले लेना, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो एक्वस KOH मारे, एल्कोहल बन गया, तो देखिए यहां से पहुंचे वहां चला गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक स्टेप में मदन, एक स्टेप में अभी नहीं करना है बाबू, एक स्टेप में भी नहीं करना है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 6 नंबर, अब तू लोग बना इसको, क्या करना है जल्दी बता, इथेन का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, C2H6, इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, C2H6 इथाइल, तो एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन, C2H5 एल्कोहल, क्या हो जाएगा, OH, इथाइल एल्कोहल, जल्दी से बना दे। अब C2H6, ठीक है, अब सोचो क्या करना है, ये भी दो स्टेप का है, सबसे पहले क्या मारोगे बोलो जल्दी से, C2H6 ले लिए, जल्दी बोल, इसमें क्या करना है, क्या मारना है, सबसे पहले स्टेशन पहुंचो, स्टेशन स्टेशन, धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये देखो अमन कुमार गुप्ता बोल रहे हैं सर स्टेशन जाना है, वेरी गुड,
यस, सीएल टू मारना है, डिफ्यूज सनलाइट मारना है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड पे तो पहले पहुंचना ही पड़ेगा ना, तो सीएल टू और डिफ्यूज सनलाइट मारेंगे तो सीएल और एच, एच सी एल बन के निकल जाएगा, दूसरा वाला सीएल यहां पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सी टू एच फाइव सी एल, हो गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब बोलिए एल्कोहल लाने के लिए सीएल को हटाना है, ओ एच लाना है, सीएल को हटाना है, ओ एच लाना है, किसको याद करेंगे, किसको याद करेंगे, एक्वस के ओ एच, और कौन को याद करेंगे, एक्वस को के ओ एच, तो ये के और ये सीएल क्या बन के निकल जाएगा, के सी एल, ओ एच यहां पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सी टू एच फाइव सी एल, ओ सॉरी सॉरी ओ एच, इथाइल एल्कोहल हो गया, खेल खत्म। ये दो स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एल्कोहल बनाने के लिए एक्वस के ओ एच का यूज कीजिएगा अगर आप स्टेशन पे चले गए हैं तो, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नीरज कुमार बोल रहे हैं मैं न्यू हूं सर, मस्त समझ में आ रहा है, वेरी गुड बाबू। आप ही लोग के लिए जो ना थोड़ा सा हम पीछे से चले आए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप को समझते जाना है। अभी दो ही चीज बताए हम आपको, एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे जाइएगा, देखिए ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है, एल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है, सीएल हो या बीआर हो या एफ हो, तो ये हैलोजनेशन कर देना है ना, अगर यहां बीआर रहता तो बीआर टू मार देंगे डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर सीएल है तो सीएल टू मार देंगे डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, यहां से हो गया। अगर एल्कोहल बनाना है, ये सूंड नहीं लाना है, ठीक है, हाथी नहीं बनाना है जो सूंड लाना है, एल्कोहल बनाना है तो ओएच लाना है, तो एक्वस को एच मार दीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, वीक में चार दिन का कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ अभी अल्टरनेट तो आएंगे हम, कल नहीं आएंगे, परसों जरूर आएंगे। अब अभी थोड़ा सा ज्यादा क्लास देंगे आपको, कन्वर्जन में बहुत मजा आने वाला है, अभी तो आज हम बेसिक कन्वर्जन लेके चले हैं, देखो देखो कितना मजा आता है, बहुत मजा आएगा। चलो सिक्स का हो गया हमारा, अब चलते हैं सेवन नंबर, स्क्रीन शॉट ले ले फटाफट। अब ये वाला बनाओ भाई, अब थोड़ा सा गाड़ी अपना सेकंड गियर में डालो, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल, आप लोग भी कॉपी वॉपी लेके बैठिए, एकदम रफ रफ धड़ाधड़ मारिए। सबसे पहले बताइए प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, ठीक है। और प्रोपाइल एल्कोहल, देखो प्रोपेन से प्रोपाइल बना है तो आइल अगर बना है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 8 है तो कितना हो जाएगा, 7 C3, हाँ तुम लोग भी बोला है, वेरी गुड C3H7, और एल्कोहल है तब रे है गदा OH, एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल है, अच्छा छोड़ो दूसरा बात बोलना चाह रहे थे, छोड़ दिए तुम लोग को, बकस दिए, तुम बच्चा है अभी तीसरा क्लास में है, ठीक है। OH, ठीक है, C3H7OH, C3H7OH, ठीक है। चलो अब बोलो कैसे करोगे, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले क्या मारोगे, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे पहले सीएल टू, एकदम सही आंसर आ रहा है, सी थ्री एच एट, पहले स्टेशन पे तो पहुंच जाए, सीएल टू और डिफ्यूज सनलाइट मार के एल्केन से सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बना देंगे, तो एक सीएल और एक एच, एच सी एल बन के निकल गया सी थ्री एच सेवन सी एल, यहां पहुंच गए। अब बोलो क्या मारना है, इसके बाद क्या मारना है, हाँ बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अमरेश अमृतेश सॉरी C3H8 का हैलोजनेशन सनलाइट करने पर स्टेशन पर आ जाएंगे, वेरी गुड। एक्वस एक्वस के ओएच, ठीक है, एक्वस क्वेश्चन मारेंगे, के और सीएल, के सीएल बन के निकल जाएगा, ओएच यहां जुड़ जाएगा, तो C3H7OH प्रोपाइल एल्कोहल बन गया, ये प्रोपेन था प्रोपाइल एल्कोहल बन गया, एकदम टनाटन हो जा रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हाँ एकदम एकदम एकदम, स्टेशन पे जाने के लिए यहां पर बीआर टू भी मार सकते थे, बीआर टू मारिएगा डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में तो बीआर आ जाएगा, एक्वस केवेच मारिएगा तो के और बीआर, के बीआर बन के निकल जाएगा, ओएच यहां पर जुड़ जाएगा, वहां से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो सात हो गया, आठवां नंबर स्कॉट आता है, स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए एट नंबर, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, अब देखो फिर से आप फॉर्मूला लिखो, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया होगा, CH4, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा मीथेन। अब मिथाइल एमाइन, मिथाइल का मतलब CH3, मिथाइल का मतलब CH3, और एमाइन आप समझ रहे हैं,
एमाइन के पास क्या होगा भाई, NH2। तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, तो मेथेन का हो गया फॉर्मूला CH4, मिथाइल एमाइन मतलब CH3NH2, हमको CH3NH2 पे जाना है। मिथेन से गाड़ी हमारा शुरू होगा और जाएगा कहां भाई, मिथाइल एमाइन पर। तो सबसे पहले मिथेन ले लिया जाए CH4, सबसे पहले तो स्टेशन पहुंचना है। एक का मैसेज आ रहा था सर कि BR2 ले सकते हैं, तो चलिए आपका इस बार बात मान लेते हैं, हम अब BR2 ही ले लेते हैं डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में। एक BR और एक HBR बन के निकल जाएगा, दूसरा BR यहां पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3BR। स्टेशन पे पहुंच गए, अच्छा अब हमको क्या बनाना है भाई, मिथाइल एमाइन। अब सोचिए कि कौन सा रिएजेंट हम इसमें डालें। अब मान लीजिए दूध है भाई और दूध से हमको चाय बनाना है, तो उसमें तो चाय का जो पत्ती है वही ना डालिएगा, अब जो है पत्थर उत्थर तो नहीं डालना शुरू कर दीजिएगा या फेयर लवली तो नहीं डालना शुरू कर दीजिएगा, तो जो हमको बनाना है उसी से रिलेटेड चीज डालिएगा। तो आपका मिथाइल ब्रोमाइड बन चुका है, अब मिथाइल एमाइन अगर बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा, आप लोग सजेस्ट करिए हमको क्या डालना है। NH3 बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। NH3 डाल देंगे, NH3, लेकिन हम आपको बताए थे कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, ये रिएक्शन एक ऐसा बेस जो NH3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रांग हो उसके प्रेजेंस में होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी उसको साइड कर दो, थोड़ा सा चलेगा ऐसे। तो NH3 जैसे लीजिएगा तो H और ये BR क्या बना के निकाल देगा रे, HBR, ये H और ये BR HBR बना के निकल जाएगा और NH2 जो है यहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 तो वही रहा और ये NHH यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 NHH, तो क्या बन गया NH2 मिथाइल एमाइन बन गया। तो पहले हम लोग मिथेन से कहां पहुंच गए, मिथाइल ब्रोमाइड पर स्टेशन पहुंच गए और उसके बाद अमोनिया मार दिए, NH3 मार दिए, तो एमाइन हम लोग को बन गया। एल्कोहल को बनाने के लिए किसको यूज करते थे, एक्वस KOH को, और एमाइन को बनाने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, NH3 को, अमोनिया को। ठीक है, चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो आपको अगर ये क्या कहते हो, कन्वर्जन अगर पूछ दिया आपको, तो कन्वर्जन हो सकता है 3 मार्क्स का भी पूछ दे, ठीक है, लॉन्ग में 2 कन्वर्जन जो है, 2 या 3 कन्वर्जन करके दे दे, तो वो ज़्यादा नंबर का भी पूछ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कन्वर्जन से ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर होगा। जैसे देखो अभी क्वेश्चन बताते हैं, आपको ऐसे दे दिया CH4... CH3Cl, देख रहे हो, ये आपको पूछता है बोर्ड में, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ, लेकिन देखो वहीं से आंसर आ रहा है। अभी तुम ही लोग बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि CH4 है यहां पर क्या चीज डालेंगे जो कि ये बन जाएगा, आंसर दो हमको जल्दी से। ये कन्वर्जन नहीं है, ये कन्वर्जन नहीं है, लेकिन कन्वर्जन से ही देखिए इसका आंसर आ रहा है। बताइए यहां पर क्या चीज भरेंगे, अभी लोग बताइए क्या चीज भरना है, Cl2। देखो 3 क्लास का भी बच्चा बता दिया Cl2, वेरी गुड, हो गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसीलिए तो हम आपको बोले थे हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन को, क्योंकि ये अगर कर लोगे ना तो सारा रिएक्शन आपके माइंड में घुस जाएगा, सारा रिएक्शन माइंड में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, व्हाट हैपेंस कीजिए, सब हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड विद BR2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भाई कन्वर्जन नहीं है, What happens है, what happens भी पूछता है, what happens when methane is reacted with BR2 in presence of diffuse sunlight, क्या बनता है, methyl bromide, तो what happens भी बन गया कहां से, conversion से, समझ रहे हो बात को, इसलिए हम आपको बोले कि इसका तार हर जगह पे जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा important है। अरे क्लास में कोई नहीं, बस वो दो आतिफ और साहिल जो है छोटू है, बस और कोई नहीं है। हाँ हाँ, थैंक यू अजय बाबू, चलो आओ, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, कैसे कैसे गंदा कर दिया हमरे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसी में ले ले, समझ जाएगा तू लोग, चलो ले लिया, नेक्स्ट नवा। अच्छा इसको बनाओगे तुम लोग, इसको होमवर्क दे दें, होमवर्क, इथेन से इथाइल एमाइन बनाओगे तुम लोग, होमवर्क दें आप कुछ हम होमवर्क दें, होमवर्क थैंक यू खदीजा, होमवर्क दे दें, यस, तो इसको आप बनाना, आप तुम लोग भी प्रैक्टिस करना। देखो इथेन है, सबसे पहले यहां फॉर्मूला भरेगा, PDF हम देंगे ना, तो फॉर्मूला भरना, अब फॉर्मूला के बाद यहां पर आ जाना, ठीक है, समझ रहे हो, सबसे पहले स्टेशन जाना, दिमाग लगाना कि एमाइन बनाना है तो क्या डालना है, एक्वस KOH डालें,
कि NH3 डालें कि क्या डालें, तुम लोग सोचना, ठीक है? चलो ये वाला बनाना, वेरी गुड। नाइन्थ, टेंथ नंबर, अब आ जाइए। टेंथ नंबर कहता है मिथेन से मिथाइल साइनाइड, तो मिथेन का फॉर्मूला बोल दो भाई, मिथेन का फॉर्मूला बोलोगे सर, मिथेन का फॉर्मूला आप जो है ना आज एकदम ऐसा याद करवाए कि मत पूछे, पहले से जानते थे और अब तो निंदों में बोल देंगे मिथेन का फॉर्मूला। CH4, अब यह है मिथाइल साइनाइड, है ना, मिथाइल साइनाइड, तो मिथाइल का फॉर्मूला हो गया CH3 और साइनाइड का फॉर्मूला हो गया CN, यही होता है ना, मिथाइल साइनाइड, साइनाइड का मतलब हो गया CN, साइनाइड का मतलब क्या हो गया CN, साइनाइड का मतलब CN। तो जल्दी से बोलो, ये है आपका घर और आपका मंजिल है CH3CN, बोलो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो स्टेशन तो चलो, चलो इस बार मारते हैं BR2, किसके प्रेजेंस में? डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, एक BR और एक H भागा, दूसरा वाला BR यहां पर आके जुड़ गया, बनेगा CH3BR ना जी। बोलिए अब यहां पर क्या डालें, क्या डालें जो कि वो बन जाए, ठीक है? आप लोग बताइए तो कुछ कुछ जल्दी 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 बताओ। KCN, सॉरी KCN, KCN, आज जी, हम ही आंसर बोल दिए KCN, हम वहाँ N छूट गया था मेरा, तो हम बोलना चाह रहे थे N, तो मेरे मुंह से आंसर ही निकल रहा था। अब तो देखो बरसात आ गया, देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, KCN, वेरी गुड, KCN डालना है, ठीक है? यही अगर यहाँ पर एल्कोहल रहता तो KOH डालते थे, नहीं, और अगर आपका साइनाइड यहाँ पर बनाना है तो हम लोग क्या डालेंगे, KCN। तो आप जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, K और ये BR क्या बन के निकल जाएगा, KBR बन के निकल जाएगा, K और ये BR बन के निकल जाएगा, CN क्या हो जाएगा, यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो CH3 तो पहले से है, ठीक है? ये देखो, ये K और BR बन के निकल गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो CH3CN मिलके हो गया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब तो आप लोग में रफ्तार आ जाएगा धीरे धीरे। आपका रोटी जल गया, हाँ, आप इसका मतलब आपका ध्यान जबरदस्त यहां पर था, वेरी गुड, कोई बात नहीं, रोटी भी जला हुआ खा लेना, वो जो है होटल के बिरयानी से 100 गुना अच्छा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 11वां, अब चलो ये वाला बनाओगे तुम लोग, इथेन से इथाइल साइनाइड बना लीजिएगा आप लोग, इसको बनाइएगा आप लोग, हो जाएगा? जल्दी बोल। आज जल्दी छोड़ देंगे, अभी कितना हुआ है, 36वां, कितना मिनट का क्लास हुआ जब बताओ तो, एक घंटा पाँच मिनट, बस ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी 48 मिनट का क्लास हुआ है, 12, 15, 17 में छोड़ देंगे, हम जितना लाए ना उतना कर देंगे आपका, अब तो अब धीरे धीरे हम लोग रफ्तार चढ़ेंगे। चलो ये वाला बना लेना तुम लोग, होमवर्क दे देना। यस, वेरी गुड, इसको हटा देते हैं। चलो 12वां, हाँ, मिथेन से इथेन, कार्बन के नंबर को डबली, ओई इसमें नहीं दिया है, सॉरी, मिथेन टू इथेन यहाँ भी दे दिया है, मिथेन टू क्लोरोफॉर्म, मिथेन टू आयोडोफॉर्म, मिथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर है। अच्छा सुन ना, 12 को ना हम ना थोड़ा सा ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब थोड़ा चाह रहे हैं कि आपका ना दिमाग में बैठे कि कैसे कैसे हम आपको कन्वर्जन बताए थे कि डबल करना होगा तो क्या करना होगा, डबल बॉन्ड को लाना होगा तो क्या करना होगा, एल्कोहल लाना है तो क्या करना है, मतलब सब खेल खेल में याद हो जाए, इसीलिए इसको छोड़ दो, इसको यहाँ भी बताएंगे, मेथेन टू एथेन को ना नंबर थोड़ा सा हम लोग का गड़बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ बता देंगे। देखो यहाँ पर लिखना है डबलिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन की संख्या को दोगुना करना, तो यहाँ पर बता देंगे। ऊर्ज बाबा को हम लोग बुला के लाएंगे, बड़ी सोते हैं ऊर्ज बाबा, बोलेंगे उठाएंगे, उठो ऊर्ज बाबा हमारे कार्बन को जल्दी से डबल करो, तो यहाँ पर उसको बताएंगे, ठीक है? तो 12 छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, अभी पहले इसको 13 कर देते हैं, हटा देते हैं, ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मिथेन टू क्लोरोफॉर्म। चलो सबसे पहला काम क्या है भाई, मॉलिकुलर फॉर्मूला को लिखना, तो CH4 मिथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, तो कैसे करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ, यहां हमारा CH4 है मिथेन, ये घर है, पहुंचना कहां है CHCl3 पहुंचना है, कैसे लाएं क्या करें, ओहो CHCl3 पर पहुंचना है, ठीक है, और मिथेन है हमारे पास, क्या करें जी, ओ यह 3 Cl लाना है यहां पर, एक बार अगर हम लोग पहले स्टेशन पे तो पहुंच, फिर देखा जाएगा, Cl2 डिफ्यूज सनलाइट अगर मारते हैं
Cl2 डिफ्यूज सनलाइट, तो एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा, अब दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ जाएगा, तो CH3Cl बन गया। एक बार हेलोजिनेशन किए, एक Cl आया, दो बार हेलोजिनेशन करेंगे, दो Cl आएगा, तीन बार हेलोजिनेशन करेंगे, तीन Cl आ जाएगा, वेरी गुड। और यही तीन Cl तो लाना है हम लोगों को, इसका मतलब यही प्रोसेस दो बार और कर देना है। टन डना टन, Cl2 मारो फिर से डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, एक Cl और एक H, फिर HCl बना के निकल जाएगा और दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ जाएगा, तो तीन H अभी है तो एक H और अब घट जाएगा, बनेगा CH2, और Cl एक तो और आ गया तो क्या बन जाएगा Cl2, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ फिर से Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, तो एक Cl और एक H क्या बन के निकल जाएगा, HCl बन के निकल जाएगा, तो एक H और कम हो जाएगा, तो दो H है, एक H और कम हो गया, तो एक H बचा और एक और Cl आ जाएगा, क्योंकि एक Cl और एक H, HCl बना के निकल गया, HCl बना के निकल गया, तो उस साइड प्रोडक्ट को हम लोग नहीं दिखाते, हटाओ साइड प्रोडक्ट को नहीं दिखाते, ठीक है, तो दो Cl में से एक Cl और एक H, HCl बन के निकल गया, तो दूसरा वाला Cl तो यहां बचा हुआ है वहां वो इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, तो अब बन जाएगा CH, दो Cl पहले से था, एक Cl और आया, CHCl3, खेल खत्म हो गया, ठीक है। इसका देखो ऐसा फॉर्मूला था, CH H Cl Cl, ये था पहले CH2 CH2 और Cl2, ये था, ठीक है। और जब आपने Cl2 से रिएक्शन कराया Cl Cl, तो ये निकल गया, देखिए ये HCl जो है ना, HCl जो है ना निकल गया, समझना बात को, हे रेड क्यों नहीं आ रहा है भाई, हाँ ये H और Cl जो है HCl बन के निकल गया, देखो ये HCl बन के निकल गया, खत्म हो गया। और दूसरा वाला जो Cl है, यही Cl आपका यहां पर आके जुड़ गया, तो बन गया CH Cl 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 Cl3, खेल खत्म, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन से क्या चीज बनाना भाई, क्लोरोफॉर्म, एकदम क्लियर हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलिए नेक्स्ट 14, मिथेन टू आयोडोफॉर्म। अब ये वाला तो हम नहीं बताएंगे भाई, तुम लोग जल्दी से हमको आंसर बताओ, मिथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, आयोडोफॉर्म का होता है CHI3, जिस तरह से क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 CHCl3, उसी तरह से आयोडोफॉर्म होता है CHI3। बोलो क्या करना पड़ेगा, अरे तीन बार आई लाना है ना, तीन बार आई लाना है, तो आयु को उठा के लाओ, ये हमारा CH4 है, आई टू बाबा को बुलाइए डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, एक आई और एक एच, एच आई बन के निकल जाएगा, एक आई यहां पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सी एच थ्री आई, एक आई आया, फिर हैलोजनेशन करो आई टू के प्रेजेंस में और डिफ्यूज सनलाइट, नहीं फिर से एक आई और कार्बन का एक एच, एक एच और एक आई, एच आई बन के निकल जाएगा और एक आई आ जाएगा वहां पर जहां पर से हाइड्रोजन भागा था, वहां आ जाएगा, तो बन जाएगा सी एच टू आई टू, चलेगा। अब फिर एक बार क्या करना है, I2 मार देना है, किसके प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर से एक I और एक H, एच आई बन के निकल जाएगा, तो एक H और कम हो जाएगा, तो दो H में से एक H गया, तो एक H बचा और एक और I आ गया, तो बन गया I3, आयोडोफॉर्म बन गया, खेल खत्म करो बात, CH4 से क्या बन गया भाई, आयोडोफॉर्म, समझे बात को। तो ये इसके पहले हमने बनाया था मिथेन को, मिथेन से क्लोरोफॉर्म बनाया था, और अब हम लोग मिथेन से क्या बना रहे हैं, आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, आयोडोफॉर्म, कोई दिक्कत, थ्री टाइम्स आई टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा आ जाए चलिए डन डन डन, चलो स्क्रीन शॉट लो फटाफट अब होमवर्क भी देंगे आपको बहुत सारा हम, चलो नेक्स्ट देखो, मिथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है आपको, मिथेन का फॉर्मूला बोल दे CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है, कार्बन का मतलब कार्बन, टेट्राक्लोराइड मतलब चार Cl, क्लोरोफॉर्म में तीन Cl आता था और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितना Cl आ रहा है, चार Cl आ रहा है, तो क्या टेंशन है इसमें, नहीं पहले तुम लोग बताओ, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, हमको ना ये बताओ, कुछ ऐसा हिंट दो कि हम समझ जाएं कि आप कर लीजिएगा, हिंट दीजिए तो कुछ भी, अभी तक आ रहा है CCl4, CCl4 अभी तक कुछ नहीं आया है, 4 टाइम्स अमन सिंह का आ रहा है कि 4 टाइम्स, ठीक है, और क्या आया है, क्या है भाई, 4 टाइम्स Cl2, कृष्णा कुमार का आ गया 4 टाइम्स Cl2,
अभिमन्यु का 4Cl2, वेरी गुड वेरी गुड, आप सही आ रहा है, 4Cl2 मतलब चार बार Cl2। तनवीर अंसारी का भी आ रहा है 4 times Cl2। अब धीरे धीरे सबका सही आने लगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो CH4 हम लोग ले लिए, इस पर क्या मारेंगे भाई, Cl2 डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। CH3Cl बन जाएगा, फिर से मारेंगे Cl2 डिफ्यूज सनलाइट, तो एक Cl और एक H, फिर से HCl बना के निकल जाएगा, तो एक H कम हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2 और एक Cl आएगा, तो Cl का नंबर बढ़ जाएगा, Cl2, फिर से मारेंगे Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट, तो एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा और एक Cl और यहां पर आ जाएगा, तो बन जाएगा CHCl3, है ना, CHCl3। और CHCl3 का फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है ना, CHCl3। अब अगर फिर से इस पर हम लोग Cl2 मारते हैं तो Cl2 टूटेगा Cl और Cl में, एक H और एक Cl क्या बना के निकल जाएगा, HCl, एक H और एक Cl क्या बन के निकल गया, HCl, और दूसरा वाला जो Cl है वो यहां जुड़ जाएगा, तो CCl, चारों साइड Cl आ जाएगा, चारों साइड Cl आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl4, ठीक है। तो इस पर फिर से मारेंगे Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट, है ना, Cl2 डिफ्यूज सनलाइट, तो वो वाला H और इसका Cl, HCl बना के चल जाएगा, एक Cl वहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा CCl4, हो गया। चलो प्रिंस कुमार आपका भी सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब देखिए, अब है डबलिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको कन्वर्जन में कभी कार्बन के नंबर को डबल करना पड़े, अगर कार्बन के नंबर को डबल करना पड़े तो उर्ज बाबा को याद कीजिएगा, उर्ज बाबा को, किसको, उर्ज बाबा को किसको याद करना है, उर्ज बाबा को। और उर्ज बाबा जो है वो आएंगे तब जब आप उनको मिलाइएगा एल्काइल हेलाइड से, मतलब इस पर नहीं आएगा, मिथेन पर उर्ज रिएक्शन नहीं होता है, मिथाइल क्लोराइड को सुन के जो है ऊर्ज बाबा आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कार्बन के नंबर को डबल करना हो आप ऊर्ज रिएक्शन को याद करिएगा, और ऊर्ज रिएक्शन करने के लिए आपको मिथेन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एल्काइल हेलाइड चाहिए, मतलब हेलो एल्केन चाहिए, FClBri आना चाहिए, ठीक है, उसी से ऊर्ज बाबा आएंगे। अगर मिथेन को बुलाने के लिए भेजिएगा तो मिथेन से ऊर्ज बाबा नहीं आने वाले हैं, मिथाइल क्लोराइड से आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिथेन बोलिए, कार्बन की संख्या को दोगुना करना अब हम लोगों को सीखना है, दोगुना बाबा ऊर्ज बाबा। तो मिथेन का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, CH4, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। देखो कार्बन इसमें एक है और इसमें कार्बन कितना है, दो है, तो कार्बन की संख्या को क्या करना है, हमको डबल करना है, कार्बन की संख्या को डबल करना है, तो कार्बन की संख्या को अगर डबल कीजिएगा तो कैसे करना है भाई, CH4। हम आपको क्या बोले, सबसे पहले स्टेशन चला जाए, चलिए स्टेशन मारिए Cl2 डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, एक Cl और एक H, HCl बना के निकल जाएगा, ठीक है, HCl बना के क्या हो गया भाई, निकल गया, सब दिखाना नहीं ऐसे होगा, HCl बन के निकल गया, दूसरा वाला Cl यहां पर जुड़ गया, तो बन गया CH3Cl। अगर तुम ऊर्ज के घर भेजोगे CH4 को तो ऊर्ज बाबा मिथेन को बोलेंगे भाग यहां से, भागो यहां से, ठीक है। अगर CH3Cl को अगर बोलोगे, भेजोगे ऊर्ज बाबा के घर, तो फिर ऊर्ज बाबा आ जाएंगे, और ऊर्ज बाबा के लिए आपको क्या करना है, ऊर्ज में क्या होता है, दो Na और ड्राई इथर लेना पड़ता है, नहीं, दो Na और ड्राई इथर लेना पड़ता है, और कैसे रिएक्शन होता है आपको पता है कि ये जो CH3Cl है इसका एक और पीस हम लोग लेते थे उल्टा, ये CH3Cl हुआ, एक और एक इसका पीस लो उल्टा ClCH3, है ना, अब बीच में हम लोग क्या लेते थे भाई ClCH3, अब बीच में हम लोग क्या लेते थे 2Na, है ना, ऊर्ज रिएक्शन ऐसे होता है ना भाई, ऊर्ज रिएक्शन में जिस एल्काइल क्लोराइड पे आप कर रहे हैं या जिस एल्काइल हैलाइड पे कर रहे हैं उसका दो पीस लेना है, एक सीधा एक उल्टा, और उसको रिएक्शन कराना है दो सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा भाई, ये Na और ये Cl, NaCl बना के निकल जाएगा, और फिर एक और Na जो बचा हुआ है और वो वाला Cl, NaCl बन के निकल जाएगा, मतलब ये वाला चीज पूरा निकल जाएगा, दो Na और ये दोनों का दोनों Cl क्या बन के निकल जाएगा, दो NaCl बना के निकल जाएगा, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, साफ, ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएगा, और CH3 अगर जुड़ा तो क्या बनाएगा बताओ, तो देखो, तो ये देखो CH3 ले लिए, इसका ऐसे करके दो पीस लिखने का कोई जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है कन्वर्जन में, वो समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो दो Na ड्राई इथर जैसे लीजिएगा तो इसका ही एक और अणु उल्टा वाला अणु के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा, और दो Na और इसका Cl और इसका Cl क्या बना के निकल जाएगा, दो NaCl बन के निकल जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये वाला पीस जस्ट डबल हो जाएगा, देखो ना CH3, अब वही CH3 से दोनों जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा CH3 CH3,
खत्म। CH3 को जोड़ दो, CH3 को जोड़ दो, तो C2 तीन और तीन छे बन गया इथेन। तो मेथेन का नंबर क्या हो गया भाई, डबल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन चले गए, मिथाइल क्लोराइड बना दिए, 2Na और ड्राई इथर ले लिए। क्या ले लिए? 2Na और ड्राई इथर। जैसे 2Na ड्राई इथर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डबल। कैसे होता है ये भी हम आपको बता दिए। ये चीज आपको दो बार लेना है, एक सीधा और एक बार उल्टा। तो 2Na और ये Cl और ये Cl, 2NaCl बना के निकल गया, ये और ये चीज जुड़ गया, इथेन बन गया। खत्म खेल। चलो, क्या ये वाला समझ में आया आपको, जल्दी बता, ये वाला समझ में आया? यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इतना सारा फ्लावर मेरे लिए, क्या बात है, वेरी गुड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर, बहुत दिन के बाद सुनी ये वाला वर्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना मिनट हुआ देखें तो, 1 घंटा 1 मिनट, बस 2-4 मिनट में अब छोड़ देते हैं। हम सोच के आए हैं कि 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत सारा क्लास कर रहे होंगे। ये चलो इसको हटाते हैं अब हम, 17। चलो ये वाला पोर्शन कर लो, कार्बन का नंबर बढ़ाने का ट्रिक हम कल देंगे आपको। इथेन से ब्यूटेन बोलो, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, C2H6। इथेन का फॉर्मूला C2H6। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ब्यूट का मतलब होता है चार, ब्यूट का मतलब कितना हो गया, चार। और हाइड्रोजन कितना होगा, दो गुना से दो ज्यादा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा कार, चार का दो गुना कितना, आठ, दो और ज्यादा तो 10। देखिए, इसमें कार्बन का संख्या 2 है और इसमें कार्बन का संख्या 4 है, जस्ट डबल है कि नहीं है। और डबल अगर करना हो तो किसको याद करेंगे, ऊर्ज बाबा। अगर डबल करना है तो किसको याद करेंगे, ऊर्ज बाबा। तो सबसे पहले इसको ले लीजिए, हम लोगों का घर ये है, मंजिल हम लोगों का C4H10 है, ऊर्ज बाबा को याद करेंगे। आप लोग कॉपी उपी निकालिए और जल्दी से मेरे साथ बनाइए। सबसे पहले स्टेशन पहुंचेंगे Cl2 डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा, तो H घट जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, ये बन गया। अब बोलो क्या मारेंगे इस पर, 2Na। अब डबल देखो, ऊर्ज बाबा जो आएंगे वो इस पर नहीं आएंगे, एल्केन पर नहीं आएंगे, वो हमेशा एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन होता है, तो इसलिए यहां से यहां पहले पहुंच जाइएगा, डायरेक्ट इसी पर ऊर्ज मत कर दीजिएगा, ऐसे करके मत कर दीजिएगा, 2Na ड्राई इथर ऐसा मत कर देना, 2Na इस पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप लोग जो है इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड जो भी है एल्काइल हैलाइड बना लीजिएगा, एल्काइल और ये हैलाइड हैलोजन बना लीजिएगा, ड्राई इथर हो गया। तो चलो, अब ऊर्ज रिएक्शन में हम आपको क्या बताएं कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, डबल। तो C2H5 है, C2H5 डबल हो जाएगा, कैसे भाई, तो C2H5 एक लेंगे सीधा और एक C2H5 लेंगे हम लोग उल्टा, बीच में हमारा 2Na है, तो ये Cl और ये Cl, ये Cl और ये Cl और 2Na क्या बना के निकल जाएगा, NaCl, 2NaCl बन के निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, बन जाएगा C2H5 C2H5, ठीक है। और C2 कितना हो गया, C4, 5 5 कितना हो गया, 10, खटाखट ब्यूटेन बन गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो खटाखट जल्दी से, ये इथेन टू ब्यूटोन ब्यूटेन बन गया। हाँ, थैंक यू श्याम। रफ कॉपी, आज तो हम बोलना भूल गए, थोड़ा हड़बड़ हड़बड़ में करके आए, लेकिन आप लोग रफ कॉपी लेके बैठना नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास हम लेंगे आपको कल छोड़ दो परसों, अल्टरनेट लेते चले जाएंगे अभी, ठीक है। पूरा कन्वर्जन में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन ही रिवीजन कर लेना है, बस आप लोग एकदम दम लगा के बैठे रहना और एकदम बनाते रहना है, रफ कॉपी लेके बैठना, जैसे हम क्वेश्चन देंगे खटाक से तुम लोग करने का कोशिश करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं नहीं नहीं, 2 से नहीं भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, यहां पर चलेगा, 2 कोई जरूरत नहीं है इसको करने का, ये कन्वर्जन में अंडरस्टूड है कि इसका 2 अणु ले लिया गया है, इसको नहीं भी करिएगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट बनाना है, साइड प्रोडक्ट जैसे कि इसमें निकला था ना 2Na और 2Cl, 2NaCl बना के निकल गया था, ऐसे करके ऐसे भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है कि 2NaCl हो रहा है 2NaCl निकल रहा है, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली बस मेन प्रोडक्ट बनाते चले जाना, मेन प्रोडक्ट बनाते चले जाना, ठीक है। और अगर बोलोगे लिखें क्या साइड प्रोडक्ट, लिखें क्या आप ही लोग बता दो, तो
साइड प्रोडक्ट लिखें क्या? साइड प्रोडक्ट यस नो, यस नो, कुछ कुछ कह रहा है यस नो. आगे लिखना चाहते हो तो माइनस करके लिख लेना, ऐसे कन्वर्जन में नहीं लिखा जाता है. हो गया, चलो हटा दें इसको. 18वां, मिथेन टू ब्यूटेन. बोल हमको हिंट दे कैसे बनेगा. मिथेन का फॉर्मूला है CH4, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10. बता दे मिथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा. कुछ हिंट दे जो कि हम समझ जाएंगे आपसे बन जाएगा. प्रिंस कुमार जी इधर बोले जा रहे हैं लाइक ठोको. प्रिंस लाइक हो रहा है, तुम इधर जो है ध्यान दो. हाँ आदित्य जल्दी हो जाएगा, 100K सब्सक्राइबर आप चाह रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. टू टाइम्स उर्ज किसका आया था, किसका आया था, किसका, देखें जरा सा. हाँ MD नूर कुतुब का आ रहा है कि टू टाइम्स उर्ज, वेरी गुड, बहुत अच्छा. और अमन सिंह Cl2 2Na, दो बार लेकिन करना है, ये भी लिखना है. और किसी का, और इसका फर्स्ट स्टेप Cl2. प्रियांशु राज एकदम सही, पहले तो Cl2 ही करेंगे. टू टाइम्स उर्ज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा. दो बार उर्ज करेंगे, एकदम सही आंसर, दो बार उर्ज करेंगे. देखो सबसे पहले तो CH4 को Cl2 से रिएक्शन करा देंगे डिफ्यूज सनलाइट, तो बन जाएगा CH3Cl. ये बन गया, ठीक है. यहां स्टेशन तो पहुंचना ही पहुंचना है. अब जो है 2Na और ड्राई इथर मार दीजिए, 2Na और ड्राई इथर. तो हम जान रहे हैं कि ये चीज डबल हो जाएगा, तो CH3 और CH3 हो जाएगा. CH3 को क्या लिख देंगे, C2H6. इथेन बन गया, तो कार्बन का नंबर डबल हो गया. लेकिन यहां पर हमको कार्बन का नंबर चौपल करना है, मतलब चार गुना करना है. तो अब फिर से मारिएगा क्या, Cl2 डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में. यहां पर डायरेक्ट ऊर्ज मत कर देना है, एल्केन पर ऊर्ज नहीं होता है, एल्काइल हैलाइड पर होता है. तो एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा, तो बन जाएगा C2H5Cl. हो गया, एक H और एक Cl, HCl बन के निकल गया, तो दूसरा Cl यहां पर जुड़ गया, तो क्या हो गया, C2H5Cl. अब फिर से इस पर क्या कर दीजिए, 2Na और ड्राई इथर मार दीजिए, 2Na और ड्राई इथर मार दीजिए. तो 2Na ड्राई इथर ऊर्ज बाबा है, ऊर्ज बाबा को याद करना है हमको डबल करने के लिए. तो इसमें यह चीज क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. तो C2H5 और एक बार और जुड़ जाएगा ये C2H5, है ना, C2H5 दो बार हो जाएगा. तो C2 कितना हो गया, C4, अब 5 5 कितना हो गया, 10, C4H10 ब्यूटेन बन गया. बस दो बार ऊर्ज करना पड़ा, एक बार पहले Cl2 से स्टेशन पहुंचे, ऊर्ज करिए एथेन बन गए, फिर Cl2 से मार के स्टेशन पे पहुंचे, फिर ऊर्ज कर दिए. क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट. एकदम सही है, बहुत अच्छा. दोनों बाबू को सर दिखा दीजिए. अच्छा देखो दोनों बाबू कैसे बैठा हुआ है. किधर हो रहे बाबू, ये देखो दोनों बाबू को, हाथ खड़ा करो. ए देखो दोनों बाबू को देखा. दोनों 3 क्लास का है. देख लिया ना, अब हम चेंज करें. वो दोनों को बैठा के रखे रहे ताकि कुछ कुछ आवाज हमको सुनाई दे, नहीं तो फिर जो है ना हम इधर पढ़ाते रहते थे, तुम लोग रहता नहीं था, हमको बड़ा अजीब लगता था. आज थोड़ा हमको थोड़ा सा मन लगा है, ठंड नहीं, मतलब बंद है ना तो ठंड नहीं लग रहा है उतना. चलो हो गया, अब चलो इधर कर दें हम. कैसे चेंज होगा, हाँ सो क्यूट सर. चलो
अब हमको ये क्या कहते हो, कुछ होमवर्क है, हम आपको दे देते हैं, ठीक है? चलिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीनशॉट तो लिए नहीं रहे तुम, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप, हम तुम जान रहे हैं, पक्का हमको पता है कि तुम उधर जाए देखने में तो मस्त होगा, स्क्रीनशॉट तो नहीं है लिया होगा। चलो इसको करो अब। 19 मिथेन टू ऑक्टेन, चलो हिंट करो जल्दी से, कैसे करना है? मिथेन का फॉर्मूला हम ये नहीं बनाएंगे, ये होमवर्क रहेगा। मिथेन टू ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब होता है 8, एच हो जाएगा दोगुना से दो ज्यादा, तो 8 × 16 = 18। बोल क्या करना है, हमको हिंट कर ऐसा जो कि हमको समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग से बन जाएगा, नहीं तो फिर हम बना देंगे। दोनों बहुत ज्यादा क्यूट है सर। हाँ बच्चे लोग तो सब क्यूट होते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। फोर टाइम्स उर्जरी एक्शन, क्या बात है, फोर टाइम्स करेगा। देखें तो हमको देखें, 1 से 2 में जाएंगे तो 1 बार, 2 से 4 में जाएंगे तो 2 बार, 4 से 8 नहीं 3 बार उर्ज करेंगे, 4 बार नहीं करेंगे, 4 बार कहां करेंगे? चार बार के 3 बार करेंगे रे, 1 से 2 में गए, 1 बार हुआ, 2 से 4 में गए, 2 से 4 चले जाएंगे ना, 4 से 8 चले जाएंगे तो 3 ही बार ना उर्ज करेंगे, 3 ही बार ना उर्ज करेंगे। यस यस यस, 3 ही बार हमको लगता है कि उर्ज करना पड़ेगा। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, कट रहा है कट रहा है कट रहा है कट, हम समझ गए समझ गए, हम भूल गए थे भूल गए थे। आप देखो तो अब सही है। यस, 3 टाइम्स उर्ज, 3 टाइम्स है ना। चलो ये वाला बना लेना आप लोग, हम नहीं बनाएंगे, आप तुम लोग बनाना, लेकिन देखना उर्ज जो करोगे ना तो डायरेक्ट एल्केन पे मत कर देना, एल्केन को पहले एल्काइल हैलाइड में बदल देना तब करना, ठीक है? एल्केन को एल्काइल हैलाइड में बदल देना है। चलो नेक्स्ट 20वां, इथेन टू ऑक्टेन, ये वाला भी बना लेगा, इथेन से ऑक्टेन, ये वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बन पाएगा? अब नहीं कट रहा है, अब सही है। मेरे पास कौन सी बाइक है? बाइक तो 3-4 है, कौन कौन सब नाम है, रॉयल इनफील्ड का है, बर्गमन है, और क्या क्या है। चलो तुम लोग इधर ध्यान दो, बाइक पे उपयोग नहीं देखना है। इसको हो जाएगा। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब ये कार्बन की संख्या को आगे बढ़ाना, ये ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? जैसा हम आपसे वादा किए थे कि 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का ही क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, फिर आपका थोड़ा सा शेड्यूल ये होगा। तो इसमें ट्रिक बताएंगे, इसमें देखते हो उर्ज बाबा काम नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें जस्ट डबल नहीं हो रहा है, मिथेन से प्रोपेन बन रहा है, मतलब बेढंगा है ये, है ना? देखो ना, 1 से 1 से कितना हो रहा है, 1 से या 3 हो रहा है, 1 से, मिथ का मतलब 1, प्रोप का मतलब 3 कार्बन हुआ ना, 1 से 3 हो रहा है, तो दोगुना करोगे तो 2 हो जाएगा, अब फिर दोगुना करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 तो बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसमें डायरेक्ट मेरे पास एक ट्रिक है, जितना आप अभी डबल वाला भी किए ना, जो डबल वाला कर रहे थे, डबल वाला जो कर रहे थे, वो सब भी इस ट्रिक में आ जाएगा, इस ट्रिक में आ जाएगा। तो ऐसा हम आपको ट्रिक देंगे जिसमें जितना भी कार्बन है उतना से जितना भी कार्बन जाना है एक ही स्टेप में हो जाएगा, एक स्टेप में हो जाएगा। उर्ज बाबा में आप लोगों ने क्या किया, डबल किया, फिर स्टेशन पे पहुंचे, फिर डबल किए, फिर स्टेशन पे पहुंचे, इस स्टेप से करके कर रहे थे, ये वाले में डायरेक्ट एकदम एक स्टेप में बन जाएगा, एक स्टेप में फिनिश। तो ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत मजा आया आज हम लोग जो है, देखो मच्छर है यहाँ पर, हम लोग जो है कन्वर्जन जो है सीखे, ठीक है? बाकी का कन्वर्जन कल हम लोग करें, सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगा आपका कल नहीं परसों, मतलब सैटरडे को रात में, ठीक है? सैटरडे को रात में हम नेक्स्ट क्लास लेंगे कन्वर्जन का, और इसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ट्रिक देंगे हम आपको, कार्बन की संख्या को बढ़ाने का ट्रिक देंगे, और फिर हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? तो अब आप लोग जाइए,
जो लोग खाना बना लिए हैं खाइए, नहीं तो खाना बनाइए एकदम बहुत अच्छे से। दूसरे सब सब्जेक्ट पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, एकदम जोर लगा के पढ़ते रहना है, एकदम टेंशन वेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम देख लीजिए बीच बीच में आ जा रहे हैं, हम आपको ऑर्गेनिक का भी कन्वर्जन कर दे रहे हैं ताकि आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। पांचों फिजिकल केमिस्ट्री हम आपको रिवीजन कर दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी इधर से कर देंगे और बहुत सारा क्लास लेके एकदम पूरा का पूरा जो हम लोगों का आगे का प्लान है कि किसी तरह से आप 90 से अबव जाएं, ठीक है, उसके लिए जितना मेहनत करना होगा हम लोग करेंगे, एकदम हम आपके साथ हैं। लेकिन साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है, एकदम दम लगाना है, सेल्फ पे बिलीव रखना है कि हाँ हमसे आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का बात नहीं है, लेकिन साथ साथ मेहनत करते रहना है, मेहनत से ही वो सब होगा। समझ रहे हो? चलो तो अब आप लोग एकदम बिंदास रहो, एकदम खुश रहो, हंसते रहो, और ये सब में जितना भी हम होमवर्क दिए थे वो सब बना लीजिएगा, इसका जो PDF है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और सब में वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहेगा, तो खुद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भरिएगा, खुद से बनाइएगा, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा। इजी था लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं और मिलते हैं कब, सैटरडे को इसी के ट्रिक के साथ, शुरुआत यहीं से होगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे ताकि फिल इन द ब्लैंक्स हो, व्हाट हैपेंस हो, मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों का जबरदस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पकड़ आ जाए, साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। मिलते हैं हम लोग सैटरडे को रात में 8:30 बजे कन्वर्जन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही।